नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासेस चल रही हैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की। अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन का कर रहे हैं। ये एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को भी हम देखेंगे। रैंडमली आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज देखने को मिलेगी। जो दोस्त बीएड फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनको मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। फर्स्ट ईयर का मोस्ट ऑफ द 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो टॉपिक्स रह रहे हैं उनको हम साथ साथ अब क्लियर करते चलेंगे। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें जाकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स, और साथ में देखेंगे विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा और समावेशित शिक्षा क्या होती है, इनमें क्या अंतर होते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि वो बच्चे जिनको कुछ विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं किसी तरह से, वो तो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों को कुछ ना कुछ विशेष मदद की, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन साथ साथ जो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जिनको हम जीनियस कहते हैं या मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं, वो भी इसी चीज़ में शामिल होते हैं। ये आप ध्यान ज़रूर रखेंगे कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे कहे जाते हैं क्लास में, कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आई क्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड में शामिल किए जाते हैं। क्योंकि वो भी क्लासरूम में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ नॉर्मल होती है, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनको अपने लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा नीड चाहिए होती है, ठीक है। तो सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता हो, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव तरीके से। ये बच्चे बाकी साधारण बच्चों से अलग होते हैं। पुराने समय में इन बच्चों की उपेक्षा की जाती थी, यानी कि अगर पुराने समय की, थोड़े पीछे समय की बात करें, तो जो बच्चे डिसेबल्ड हो जाते थे उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता था, उनको कह दिया जाता था कि ये किसी काबिल नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि समान तत्वों में समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इक्वल एलिमेंट्स है तो उनके साथ इक्वली बिहेव कीजिए, और जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही कीजिए जिनकी, जितना कि वे अनइक्वल हैं। कहने का मतलब ये है, अगर दो चीज़ें बराबर हैं, दो मनुष्य हैं, मनुष्य दोनों समान हैं, तो समान व्यवहार कीजिए। अगर असमान भी हैं, अगर डिफरेंट भी हैं, तो उनसे डिफरेंट भी इतना ही डिफरेंट बिहेवियर कीजिए जितने कि वे लायक हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें डिफरेंस तो है थोड़ा सा, और हमने जो बिहेवियर किया उनके साथ वो इतना ज़्यादा डिफरेंट कर दिया कि बिल्कुल ही अलग कर दिया उनको, ठीक है। उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था नहीं जितना ज़्यादा डिफरेंट हमने उनके साथ बिहेवियर कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अरस्तु ने ये कहा था कि समान तत्वों के साथ समान व्यवहार करो, असमान तत्वों के साथ उतना ही असमान व्यवहार करो जितना की ज़रूरत हो, जितने की वो असमान हैं। अगर ज़्यादा असमान व्यवहार कर देंगे तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। करने का तरीका यही रहेगा, पहले आप तीनों की डेफिनेशन बता देंगे और उसके बाद एक टेबल के फॉर्म में आप लिखेंगे, एक तरफ तीन उसके कॉलम बनाएंगे टेबल में, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तीनों को में जो पॉइंट्स हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि तीनों में क्या डिफरेंट होता है, एज कंपैरेटिवली आप उसमें उनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपका आता है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षित करती है। नाम से पता लग रहा है स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अगर बच्चे को स्पेशल नीड है तो उनको स्पेशल एजुकेशन अलग से दी जाए, ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इन्हें जो एजुकेशन दी जाती है वो मेन स्ट्रीमिंग से मुख्य धारा के, जो मतलब ये कहें कि सीधी भाषा में अगर हम कहें तो नॉर्मल स्कूल जो है, सामान्य विद्यालय जो है, सामान्य विद्यालय से अलग स्कूलों में दी जाती है उनको शिक्षा। क्यों? क्योंकि वो समान बच्चे तो नहीं है, सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल बच्चे नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की अरेंजमेंट की जाती है और स्पेशल ही स्कूल होते हैं उनके लिए, ठीक है। नॉर्मल स्कूल में उनको नहीं पढ़ाया जाता है।
विशेष शिक्षा इस मान्यता पर आधारित है कि असमर्थता वाले बच्चे जैसे कि अंधे, बधिर, मूक आदि को विशेष ध्यान और शिक्षा की आवश्यकता होती है जो उन्हें मुख्य धारा के विद्यालयों में यानी कि जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें नहीं मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एकीकृत शिक्षा की यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इंटीग्रेटेड एकीकरण का मतलब होता है कि विकलांग बच्चों तथा असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में भेजना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, एक साथ जोड़ना। जो बच्चे विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं या डिसेबल्ड है किसी भी तरह से, उनको नॉर्मल सामान्य स्कूलों में भेजना। एकीकृत शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में कुछ विशेष मदद के द्वारा शिक्षित किया जाता है, लेकिन केवल तब। यहाँ पर अंतर ये चीज़ आप ध्यान से सुनना कि नॉर्मल बच्चों के साथ भेजा तो जाता है लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है कि केवल तब जब बच्चा सामान्य विद्यालय के वातावरण में खुद को ढालने में सक्षम हो, यानी कि नॉर्मल स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ खुद को एडजस्ट कर सकता हो, केवल तब ही हम उसको भेजेंगे। अगर वो एडजस्ट नहीं कर सकता तब हम उसको उसमें इंटीग्रेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपकी आती है समावेशित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां सभी आयु वर्ग के विकलांग बच्चे यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चे और विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चे स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस सभी बच्चों को नॉर्मल स्कूल में सामान्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में अपने सामान्य मित्रों के साथ शिक्षित किया जाता है, यानी कि नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ एजुकेट किया जाता है, जहां सभी बच्चों की पूर्ण भागीदारी में सभी बाधाओं को दूर करने का संकल्प लिया जाता है, ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब यहां पर किसी बच्चे की एबिलिटी को चेक नहीं किया जाता है कि वो अपने आपको एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये नहीं देखा जाता है। सभी बच्चों को बस एक साथ एजुकेट किया जाए, अगर उसको कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी प्रॉब्लम को दूर करे, लेकिन देनी सेम एजुकेशन है सेम ही बच्चों के साथ। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में मेनली यही अंतर है कि एकीकृत शिक्षा में सिर्फ उन बच्चों को इंटीग्रेट किया जाता है जो बच्चे उसके एबल होते हैं, जो बच्चे उसके योग्य होते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में योग्य अयोग्य किसी भी तरह का बच्चा हो सबको समावेशित कर दिया जाता है और संकल्प लिया जाता है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि जो अयोग्य बच्चे हों उनको योग्य बनाया जाए। ठीक है, अब इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। ये आपके सामने है, इस तरह से अगर आप टेबल बनाएंगे तो बेस्ट तरीका है ये आपका लिखने का बीएड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस तरह से टेबल बना देंगे, पहले डेफिनेशन लिख देंगे तीनों के, उसके बाद टेबल बना देंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आपके नंबर भी कहीं नहीं गए, मैक्सिमम नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस तरह से कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और जो एकीकृत शिक्षा है वो अपेक्षाकृत नई अवधारणा नहीं है, यानी कि एक नया कंसेप्ट नहीं है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरिजन में? स्पेशल एजुकेशन के कंपैरिजन में। इसका मतलब यह है कि स्पेशल एजुकेशन तो नया कंसेप्ट है, लेकिन इंटीग्रेटेड कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड एजुकेशन नया कंसेप्ट तो है लेकिन इतना नया भी नहीं है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन ये तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विशेष शिक्षा का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है असाधारण बच्चों की क्षमताओं का पता लगाना और पूंजीकरण करना है। इनकी स्पेशल एजुकेशन अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद तो बच्चे में यही है कि बच्चा वैसे तो नॉर्मल बच्चों के साथ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई स्पेशल स्किल है तो उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एकीकृत शिक्षा में विकलांगता या विशेष क्षमता वाले बच्चों को एकीकृत करने के अपने मानदंड नियम हो सकते हैं। ठीक है, अपने नियम है, अगर बच्चा उसके एबल है उसमें एडजस्ट कर पाता है तो वो लेंगे, नहीं कर पाता तो नहीं लेंगे। समावेशी शिक्षा में किसी छात्र को प्रवेश देने के लिए कोई मानदंड नहीं होते, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई उनकी एबिलिटी डिसेबिलिटी चेक नहीं की जाती। ठीक है, उनका पर्पस तो सिर्फ यही होता है कि सभी छात्रों को शामिल करें और उन सभी छात्रों को इंक्लूड किया जाए जो शिक्षा से बाहर हैं, जिनको एजुकेशन से दूर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका दायरा दोनों की तरह ज़्यादा व्यापक नहीं है, यानी स्पेशल एजुकेशन का अगर दायरे की बात करें, स्कोप की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है, बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो दायरा है, स्कोप है, वो व्यापक नहीं है,
वो स्पेशल एजुकेशन से, विशेष शिक्षा से तो व्यापक है, विशेष शिक्षा से तो बड़ा है, लेकिन समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से छोटा है। क्यों? क्योंकि विशेष शिक्षा में तो सिर्फ वो बच्चा है जो डिसेबल्ड है, कुछ परसेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड बच्चे में क्या है, नॉर्मल बच्चे तो हैं, लेकिन कुछ डिसेबल्ड बच्चे भी आ गए जो कि एबल हैं अपने आप को एडजस्ट करने में। और इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे आ गए। इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल, तो अगर आपका ये आपकी स्पेशल एजुकेशन है, मान लीजिए डायग्राम की तरह समझेंगे, ये आपकी स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है, तो ये आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, तो ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, विशेष शिक्षा है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करता है, यानी कि समाज का एकीकरण हो सके उसको एंश्योर करता है। और जो समावेशी शिक्षा है वो विकलांग या चुनौतीपूर्ण छात्र सीखने के लिए प्रेरित करता है। आपकी विशेष शिक्षा महंगी होगी, समावेशी शिक्षा की तरह बहुत महंगा नहीं होगा आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और जो समावेशी शिक्षा होगी वो बहुत महंगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें योजना बनाना आवश्यक है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। और इंटीग्रेटेड में नो फॉर्मल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, कोई औपचारिक यानी कि फॉर्मल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, आप अपना पर्सनली इनफॉर्मली रूप से प्लानिंग कर सकते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी फॉर्मल प्लानिंग की पूरी तरह से जरूरत पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, यानी कि अगर हम स्पेशल स्कूल्स की बात करें तो उसमें कुछ स्पेशल सुविधाओं की, ठीक है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। इंटीग्रेटेड में कोई विशेष, कोई स्पेशल बुनियादी ढांचा या कहें तो कर्मचारी, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, स्पेशल नीड नहीं होती है ज़्यादा। और इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में, तो विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की ज़रूरत होती है जो कि दोनों को हैंडल कर सके। उन्हें तो एबल और डिसेबल दोनों बच्चों को हैंडल करना है, तो उनकी तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो एक ट्रेंड टीचर्स को ही लिया जाता है। तो ये है आपका विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट, उनमें अंतर, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन या कहें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।